चलो जी, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था ये याद तो होगा नहीं। अच्छा वो सेंसिटिविटी एनालिसिस, दो अप्रोच था उसमें, दो अप्रोच था सेंसिटिविटी में। एक में आप चेंज करते थे 10-10% से, और दूसरे में एनपीवी को क्या लेकर, जीरो लेकर। ठीक, कर लिया था, वो टॉपिक हो गया था। अब बचा क्या है यार, एक बार कोई इंडेक्स से बताएगा। एक इन्फ्लेशन बचा होगा और एक बचा होगा कैपिटल राशि। बताओ, और आपको एक बार और मौका मिलेगा पढ़ने का फाइनल में, है ना। अगर यहाँ समझ में नहीं भी आया तो फाइनल में पढ़ देंगे। तो कौन सा पॉइंट होगा यार, पहला बेसिक्स, दूसरा रिप्लेसमेंट, तीसरा रिस्क, सेंसिटिविटी और पांचवा। इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे मालूम है कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन अभी हमने छोड़ा हुआ है, एनपीवी वर्सेस आईआर, क्योंकि उसमें अभी हमको मॉडिफाइड आईआरआर, मल्टीपल आईआरआर, ये सब समझना पड़ेगा। मतलब एक क्लास और लगेगी। हाँ नहीं, जरूरी इसी प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाया, लिखना नहीं है बस सुनना है, 5 लाख, और लाइफ कितनी है मान लो 5 साल। और मानना है कि पहले साल 1000 यूनिट से बनाएंगे और बेचेंगे, दूसरे साल 1500, तीसरे साल 1700 यूनिट, इस तरह से काम चलेगा। ये कब सोच रहा है, आज। और क्या बना रहे हो सर, ये पेन सर, इस कितने का होगा, ये सेलिंग प्राइस है मान लो 50 रुपये। तो बताओ आज सेल्स, एक पहले साल में कितने रुपए का सेल्स होगा, जरा बता सकते हैं। नहीं कहा 50,000, दूसरे साल 75,000, तीसरे साल 1750, सिंपल है। पर एक बात है यार, आप ये एज्यूम कर रहे हो कि ये पेन एक साल बाद भी 50 का मिलेगा, 2 साल, मतलब एक चीज इग्नोर कर रहे हो, इन्फ्लेशन, वो तो कंसीडर करना पड़ेगा। और मान के चलो इन्फ्लेशन का रेट है 10%, तो पहले साल जो पेन बिकेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, ये तो आज के हिसाब से फर्स्ट ईयर, वो 50 का नहीं रहेगा, 10% पर एनम है ना, तो वो कितने का हो जाएगा, 55। तो फिर पहले साल का सेल्स कितना आएगा, इन्फ्लेशन को कंसीडर करके टोटल सेल्स, टोटल सेल्स सेल, इसका प्राइस जाएगा 55 रुपए एक पेन का, इनटू 1000 यूनिट्स 55,000। दूसरे साल का तो समझ के बोलना, पहले साल का तो आपने 55 रुपए बोला, दूसरे साल इस पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, कितना, कैसे निकाला जरा बताओगे, 55 + 10%, जबकि होना चाहिए था 50 + 10% + 10%, एक ही बात,
ये आज के हिसाब से सोच रहे हैं। आज 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 मतलब जीरो, हाँ तो एक साल बाद 10% बढ़ेगा। यहाँ कितना आया था पेन का प्राइस 60.5, यहाँ कितना आएगा कैसे निकाल रहे हैं? अच्छा इसी में 10% ऐड करके 60.55, तो बताओ सेल्स कितना आएगा? एक लाख 13,135। ठीक है, क्या इसमें इन्फ्लेशन जुड़ गया है? यस। और ये जो आया था पहले जो निकाला था वो क्या बिना इन्फ्लेशन के था? हाँ। अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज होगी, अगर बिना इन्फ्लेशन के बात कर रहे थे तो ये जो कैश फ्लो आ रहा था उसको बोलते हैं रियल कैश फ्लो, और अगर मैं इन्फ्लेशन डाल के जो कैश फ्लो निकाल रहा हूं उसका नाम होता है नॉमिनल कैश फ्लो। याद है एक सब एक बार आया था रियल करके, तो आपने उड़ा दिया था, अब वो यहां। समझे? ये कौन सा कैश फ्लो है? नॉमिनल। और ये जब किया था आपने, इसको 50 से मल्टीप्लाई किया था, तो कौन सा आया था? रियल। रियल कैश फ्लो मतलब बिना इन्फ्लेशन के, नॉमिनल का मतलब इन्फ्लेशन लेकर। अगर इन्फ्लेशन का रेट दिया है तो हमको इन्फ्लेशन कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा पहले कितना यूनिट था? पहले साल कितना यूनिट? 1000। दूसरे साल और तीसरे साल 50 रुपए था विदाउट इन्फ्लेशन। पहले साल का सेल्स आपने कितना निकाला था? 50,000। दूसरे साल का और तीसरे साल का 85 था, और इन्फ्लेशन का रेट कितना था? आपसे मैंने कहा पहले साल का सेल्स तो आपने निकाल लिया था, कैसे निकाला था? इसमें 50,000 + 10% 55,000। सेकेंड ईयर का सेल्स 75% + 10% 75% + 10% बस यहां बारीक किया यहां से। ये 50 रुपए के हिसाब से है, और जबकि हमको 50 + 10% + 10% करना। अच्छा इन्होंने इसी में बढ़ा दिया। मैं आपसे बस ये बोल रहा हूं कि शॉर्टकट सोच समझ के लगाना, इधर से मत उड़ा देना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 75,000 + 10% + 10%। तो काम की चीज, अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन दिया है तो फिर आपको इन्फ्लेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। आपको रियल कैश फ्लो को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? नॉमिनल कैश, और उसमें इन्फ्लेशन कैसे ऐड करते हैं ये आपको पता है। तो पहले पॉइंट में वही सिखा रहा हूं कि पहले रियल को नॉमिनल कैश फ्लो में कैसे कन्वर्ट करें। इन्फ्लेशन इज गिवन, then inflation should be considered calculation of
नॉमिनल कैश फ्लो, नॉमिनल कैश फ्लो मतलब विथ ब्रैकेट में लिखने देते फ्रॉम रियल कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो मतलब विदाउट इन्फ्लेशन। क्या फॉर्मूले में विश्वास रखते हो? जो आपने निकाला है उसके लिए मैं फॉर्मूला बना देता हूं, ठीक। अगर निकाल नहीं पाओगे तो फॉर्मूला याद कर लेना, एनसीएफ इज इक्वल टू, एनसीएफ मतलब नॉमिनल कैश, रियल कैश फ्लो वन प्लस आई पावर एन, याद हो जाएगा। अच्छा एक बात बताऊं, इस फॉर्मूले से क्या आप रियल कैश फ्लो निकाल सकते हो? अगर नॉमिनल दिया है तो वो भी लिख ही लेता हूं ना यहाँ फॉर्मूले, जरूरत पड़ी तो काम आ जाएगा। रियल कैश फ्लो निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन गया, चले आगे। दूसरा लिखोगे, लिखोगे क्या? पहले समझना पड़ेगा, वो तो समझ में नहीं आएगा, वो ज्यादा टेक्निकल है। सुनो तो भाई, कहाँ लगा रहे किसी प्रोजेक्ट में पैसा, पैसा किसी, ये कंपनी है आपकी, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो आपको मालूम है जो सेल्स जितने का बोल रहा है उतने उससे ज्यादा का होगा। यहां लोग बैठे हुए हैं और इनसे आपने पैसा उठाया तो इनको कुछ देना पड़ता है, और इनको मालूम है कितना देना पड़ा था, 10%। वो कहेगा यार इन्फ्लेशन का इफेक्ट उधर आ रहा है, तो हम लोग पागल बैठे हैं क्या, हमको भी तो चाहिए। आप बैंक से पैसे लेने जाते हो, बैंक पे पैसा जमा करते हो, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो रियल होता होगा कि नॉमिनल? रियल। और फिर हम बैंक, मान लो बैंक ने कहा 6% ब्याज लेना भैया, ठीक है, और फिर आ जाएंगे 4% का इन्फ्लेशन का कौन देगा, वो भी दो, ऐसा बोलते हो क्या? तो वो क्या होगा उसमें, बैंक वाला कहेगा इसी में सब है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन सब इसी में है, 6 दे रहा मतलब 6 है, तो 6 कौन सा होता है, नॉमिनल। इन्फ्लेशन इसी में जुड़ा है, हमसे आना मत मांगने, तो वो जो रहता होगा वो कैसे रहता होगा, नॉमिनल। ठीक है, हमको रियल दिया है मान लो, अब मुझे बताना, मान लो रियल है 10% और इन्फ्लेशन का रेट है 5%, तो क्या नॉमिनल रेट निकल सकते हो? रियल का मतलब बोलो इसमें इन्फ्लेशन है कि नहीं है, रियल 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 बोल रहा हूँ, रियल रियल मतलब बिना इन्फ्लेशन के 10% है, और मैं कहता हूँ 5% है इन्फ्लेशन, तो बताओ टोटल कितना आ जाएगा इन्फ्लेशन जोड़ के, 10.5 15 5%। हाँ किसी भी चीज का ले, बैंक रिवीजन हो रहा है मतलब,
ये खरीदना पेन, कितने का है? 100 रुपए का? 100 का नहीं, 110 का। अभी इन्फ्लेशन नहीं। राम के पास कितना पैसा है अभी? 100 रुपए। क्या पेन खरीद सकता है? अब वो यार वो सोच रहा ठीक है अभी नहीं खरीदता, मुसीबत चल रही, कभी और खरीदूंगा, कुछ कमा तो लूं। तो ये सोच रहा मैं बैंक में आज 100 रुपए जमा करूं और मैं बैंक से बोलूं, बैंक प्लीज मुझे एक साल बाद इतना पैसा दे देना कि मैं पेन खरीद सकूं। तो इसका रिक्वायर्ड 10% कैसे निकला? 10% सर 10 रुपया मिलेगा ना सर, 10 रुपए कितना? 100 पे, तो इसका कितना है? 10%। अभी इन्फ्लेशन है कि पिक्चर में नहीं है, इट मीन्स इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। इसी को आप रियल रेट भी बोलते हैं। लेकिन 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 अब पता लगा कि यार इन्फ्लेशन भी है 5%। अब ये बैंक से बोल रहा, बैंक मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना पैसा दे देना एक साल बाद विद इन्फ्लेशन, 10 का तो ठीक है, इतना दे देना कि मैं पेन खरीद सकूं। बैंक कितना पैसा देगा? फिर से, अभी पेन कितने का है? 110। एक साल बाद इतना, मैं जमा तो 100 ही करूंगा, एक साल बाद इतना दे देना कि मैं पेन खरीद सकूं। बताओ बैंक कितना पैसा देगा? और बैंक एग्री भी हो गए, कितना? 5% कितना रुपया एक्स्ट्रा देगा बैंक? दैट्स 5.5 रुपए, 15.5 नहीं, 100 पे यार, 100 ही तो जमा कर रहा है ना वो, 15.5% में बोला, 15.5%। ये 15.5% कैसे आया? इन्फ्लेशन को जोड़ के, और बिना इन्फ्लेशन के कितना था? 10। हाँ बस यही मैं समझा रहा हूँ, प्रिंसिपल में भी तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ेगा। 10% में इन्फ्लेशन है कि नहीं है? नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? रियल। और इसको क्या बोलेंगे? अब रियल से नॉमिनल कैसे पहुंचते हैं, ये इंपॉर्टेंट। रियल से नॉमिनल, रियल कितना है? 10, और इन्फ्लेशन कितना है? 5, जोड़ना ही तो है दोनों को। 15.5 आना चाहिए, 15.5 पर कैसे आएगा? फैक्टर इनटू फैक्टर, फैक्टर मालूम है? फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है 1.10, ये भी एक फैक्टर है 5%, मतलब 1.05। थोड़े स्पीड से बोल रहा हूं पर आप संभाल लोगे, मुझे मालूम है भाई। 1.10 इंटू क्या कर दोगे? 1.05, फिर लास्ट में प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, वही बोलना चाह रहे थे आप, मैंने ऐसे ही कर दिया, माइनस किया तो क्या आया? 0.155। और परसेंटेज में निकालना तो कितना जाएगा? 15.5। कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्रायल मारता हूँ, फिर से हो जाए। मान लो रियल है 8%, 8% का फैक्टर क्या आएगा? 1.08, और इन्फ्लेशन है 3%। नॉमिनल बताओ, तो सर इन्फ्लेशन का मतलब प्लस नहीं करना होता है, वो फैक्टर से फैक्टर का मल्टीप्लाई करना होता है। यस, लॉजिकली हो जाएगा ये 1.08 इंटू 1.03 माइनस 1 इंटू 100, कितना आया था? 11.24। रियल कितना है? 8। इन्फ्लेशन कितना है? रियल कितना है बताओ? मैंने नॉमिनल दिया है, इन्फ्लेशन दिया है, रियल 8 आना चाहिए, कैसे निकालोगे 8? मतलब इन्फ्लेशन का वाला जो एक्स्ट्रा है उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका ये कहना कि 0.25 जो दिख रहा है, 0.24 वही भर इन्फ्लेशन की वजह से है। ये कैसे पता लगा? अगर 3 रुपए मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, 8% 8.24,
मतलब आप कह रहे हैं इससे इसको माइनस करेंगे, बचे हुए को 3% से डिवाइड करेंगे, मतलब बचे हुए को ना, जो बच गया वो आप ऐसा भी तो ले सकते हो ना सीधा यार, फैक्टर इनटू फैक्टर किया तो फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टर कर दो, मतलब 1.124 डिवाइडेड बाय 1.03 तो कितना आया, 1.08 आया होगा। ये सही था नहीं, 1.1124 गलत हो गया, 1.1124 डिवाइडेड बाय 1.03। अब आ गया, ये तो गलत बोलने में हो गया, 1.1124 होगा ना ये तो, ठीक है फिर से। इन्फ्लेशन का रेट कितना है, 5%, और नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट ले लेते हैं 18%। ये लो अब बताओ रियल कितना। हाँ नॉमिनल है 18, इन्फ्लेशन है 5, रियल बताइए। तो इसका फैक्टर बोलो 1.18 डिवाइडेड बाय 1.05 -1 × 100 माइनस वन करना पड़ेगा, प्रिंसिपल हटाना पड़ेगा, 12.38% भाई मुझे बस इतना बता दो, अगर मुझे नॉमिनल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टर इनटू फैक्टर। अगर मुझे नॉमिनल दिया और रियल निकालना तो फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टर, बस और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा इस पे मुझे ऐसा लगा। तो पहला आपने क्या किया, रियल कैश फ्लो को किसमें कन्वर्ट किया, नॉमिनल, वो इजी था। अब रियल डिस्काउंटिंग रेट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, नॉमिनल, रियल रेट को नॉमिनल में। तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट फ्रॉम रियल डिस्काउंटिंग रेट, एनडीआर निकालना है, रियल दिया है तो कैसे करोगे, फैक्टर इनटू फैक्टर, पर फैक्टर इनटू फैक्टर लिखोगे अच्छा नहीं लगेगा, फॉर्मूला लिखा 1 + RDR 1 + इन्फ्लेशन, लास्ट में 1 कर देना, 1 + I फैक्टर इनटू फैक्टर ही तो कर रहे हो ना यार, तो फॉर्मूला मत लिखाया करो, बिल्कुल खराब लगता फॉर्मूला। अच्छा कोई है, अगर है हिम्मत वाला तो RDR का भी फॉर्मूला बनाकर बता दो, मान जाओ ये इसको और उससे मुझे समझ में NDR प्लस वन, मतलब 1 + NDR वन प्लस इन्फ्लेशन। अभी ठीक है ना भाई, -1 चलेगा, इंटू 100 कर देना अगर लगेगा तो, परसेंटेज 1 + NDR 1 + inflation -1। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ये क्या है, फैक्टर इंटू फैक्टर, और ये क्या है, फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टर। अब लिखो एग्जांपल,
कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक लाख, एफ 80, एक दो तीन, फोर्टी फाइव थाउजेंड। डिस्काउंटिंग रेट 10%, कैलकुलेट एनपीवी, क्योंकि ये पहली बार आप कर रहे हैं तो ये आपसे होगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। कसम से नहीं हुआ ना क्लास से बाहर गया तो कुछ नहीं करना, मालूम है एक्स्ट्रा सोचने की कोशिश, कुछ नहीं सोचना है भाई, प्यार से एनपीवी निकालना है। ठीक आता है 11908, एनपीवी इज इक्वल टू कैसे करते थे याद है कुछ? ठीक हाँ, बस मुझे एक्यूरेट फिगर चाहिए। 1/1.10, 1, 2, 3 GT into 45,000 minus 1,00,000, NPV कितना आ गया 11,908। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये बचपन से पढ़ रहा है। आगे लिखोगे सपोज ये जो कैश फ्लो है ये कौन सा वाला कैश फ्लो है? रियल। और ये डिस्काउंटिंग रेट भी कौन सा है? रियल। अभी इन्फ्लेशन आया ही नहीं पिक्चर में। ठीक, सपोज इन्फ्लेशन रेट 5% पर एनम है ना, कैलकुलेट फिर से एनपीवी निकाल। तो अब सबसे पहला काम है, क्योंकि इन्फ्लेशन पिक्चर में आ गया तो इस कैश फ्लो को चेंज करना पड़ेगा किसमें? नॉमिनल। तो सबसे पहला काम है हमको नॉमिनल कैश फ्लो निकालना। फर्स्ट ईयर का 45,000 इंटू 1.05, 5% से बढ़ा देंगे ना, कितना आ गया 4,725। सेकेंड ईयर का 45,000 इंटू पावर टू 4,9,613 ले लिया, पावर 3 5,698। गलत है क्या? ठीक, ये कौन सा कैश फ्लो आ गया भाई? नॉमिनल इन्फ्लेशन को। अब इसको डिस्काउंटिंग किससे करेंगे? 10% से नहीं कर सकते, इसमें भी हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? इन्फ्लेशन। अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट, इन्फ्लेशन जोड़ना मतलब मल्टीप्लाई, 1.10, 1.05 माइनस 1, तो
तो कितना आ गया है 15.5% 0.155 आया होगा। अब हमको कैश फ्लो मालूम है, हमको डिस्काउंटिंग रेट भी मालूम है, तो अब तो काम हो जाएगा, अब एनपीवी निकालेंगे। फोर सेवन टू फाइव जीरो डिवाइडेड बाय 1.155 पावर वन। यार ऐसा भी किया करते थे किसी जमाने में, याद है 49। और किसी को कोई मुझे बोला था कि सर मुझे फैक्टरी पसंद है, तो वैसे भी कर सकते। क्यों आपको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, कोई गुनाह नहीं है। ठीक है 52093 डिवाइडेड बाय 1.155 पावर 3। तो माइनस कैसे करोगे, 1,00,000 अलग अलग आ रहा है क्या आंसर? नहीं वो तो राउंडेड ऑफ की वजह से, इससे करके देखिए कितना आ रहा है। फोर सेवन टू फाइव जीरो डिवाइडेड बाय 1.155 इक्वल टू एम प्लस। डिवाइड नहीं करना, दो बार इक्वल टू एम प्लस। जीटी नहीं एमआरस माइनस 1,00,000। हे भगवान, तो आएगा तो उतना ही ना, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, टाइम पास ही कर रहे थे अभी तक। उससे मिलना क्लास के बारे में क्या एक ही बात है? हाँ भाई, इन्फ्लेशन जोड़ रहा है तो दोनों तरफ जोड़ रहा है ना यार, एक ही तो बात है, ये करो चाहे ये करो, इसका मतलब एक काम की बात। रियल कैश फ्लो दिया है तो डिस्काउंटिंग किससे करेंगे? रियल से। अंतर आएगा जैसे डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन महंगा होता है कि नहीं, वो कहेगा कुछ होगा, तो वहां प्रॉब्लम आएंगे, तब आंसर अलग अलग आना स्टार्ट हो गया। मेरी बात समझो, अभी अब वहां तक पहुंचे नहीं हो। अभी एक बात समझ में आई कि रियल कैश फ्लो दिया है, रियल, तो डिस्काउंटिंग किससे करना पड़ेगा? रियल। और अगर नॉमिनल कैश फ्लो दिया है तो डिस्काउंटिंग किससे करेंगे? नॉमिनल। अब ICAL क्या करेगा, अब सुन लो क्वेश्चन में क्या होगा। आपको प्यार से दे देगा रियल और डिस्काउंटिंग रेट दे देगा नॉमिनल, भले आप कर लो। आप आपको सीधा नहीं देगा ना क्वेश्चन, कैश फ्लो ये वाला देगा, इन्फ्लेशन का रेट देगा, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन और डिस्काउंटिंग रेट दे देगा, ये क्या करोगे? या तो इसको खींच के यहां ले आओ, या तो इसको खींच के वहां ले जाओ, भाई दो ही ऑप्शन है आपके पास। कसम ये खाते हैं कि रियल को रियल से, नॉमिनल को नॉमिनल से, बस और कुछ ठीक। सर आंसर एक ही आता है, किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि आंसर एक ही आ रहा है तो टाइम पास क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यार सेलिंग प्राइस में अलग इन्फ्लेशन हो सकता है, मटेरियल में अलग इन्फ्लेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन अलग अलग हो सकता है। चले क्वेश्चन बनाए क्या, तभी समझ में आएगा एक बार क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 81,
क्वेश्चन नंबर 81 कुछ कहना चाहते हो? और सावधानी से क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 81 अच्छा क्वेश्चन। शशि लिमिट कंपनी लिमिटेड हैज प्रोजेक्टेड द फॉलोइंग कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट अंडर इवेल्युएशन। कैश फ्लो दिया हुआ है, मिल गया सभी को। रुपीज इन लैक्स, जीरो पीरियड में 72 ब्रैकेट में दिया, मतलब पैसा जा रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। पहले साल कितना आ रहा है? 30 लाख 40 लाख 30 लाख। द अबो कैश फ्लो हैव बीन एट एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर इन्फ्लेशन, दे रखा है, बताओ रियल है कि नॉमिनल? नॉमिनल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया? तो ये 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, रियल है कि नॉमिनल? अगर कुछ रहता तो बोलता आफ्टर इन्फ्लेशन, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं। और इन्फ्लेशन का रेट कितना दिया है? 5%। तो बताइए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे कि नहीं, 10% के हिसाब से रेट दे रखा। क्वेश्चन कैसे किया जाए? क्या ये नॉमिनल कैश फ्लो है? हाँ। इसको डिस्काउंटिंग किससे करेंगे? नॉमिनल से। ये डिस्काउंटिंग कौन सा है? रियल। तो इसको क्या नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ हो जाएगा। या फिर किसी का ज्यादा दिमाग चल रहा तो ऐसे भी कर सकते। नहीं, चलेगा चलेगा। तो सबसे पहले, और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उतनी इज्जत मिलनी चाहिए इसको, उससे ज्यादा नहीं। तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। सबसे पहले एनडीआर, सारी दुनिया को पता है हमारे अलावा। पिछले एग्जांपल का नहीं, इस क्वेश्चन का। क्या फॉर्मूला पसंद है आपको? नहीं, ये वाला जरूरी नहीं। 15.5% नहीं, थोड़ा बहुत तो लिख रहा है। ये तो पेपर चेक वाला सोचे साइड वाले से चीटिंग किया होगा पक्का। कहीं गड़बड़ हो गए, गुस्सा आ रहा है। 30 ठीक, डिवाइड किससे करेंगे? पावर 1 प्लस फैक्टर लेके बनाना चाहते हो क्या? -72 पॉइंट, हाँ 3 डिजिट, 866 नहीं, जितनी जगह उतना डिजिट ले लो। 866 मेरे पास जगह कम है। पॉइंट 750 पॉइंट 649 बस इतना ही। थ्री पॉइंट 43 ले लेते हैं।
3.45 चलेगा। तो हो गया यहाँ तक, अभी और आगे कहानी है। क्वेश्चन खत्म हो गया वैसे, पर पिछली बैच में कुछ बच्चों ने मुझे समझाया था, और क्या समझाया सुनो कि सर ये क्यों दिया। मतलब कुछ ना कुछ के वजह से तो दिया होगा, तो वो क्या कहना चाहता है, हर बात को क्या लफ्जों में कहना जरूरी है, इशारों में समझ सकते हैं। इशारे क्या बोल रहा है कि भाई नहीं दोनों से मत करो, इशारे ये बोल रहा है कि आप इसको रियल में कन्वर्ट कर लीजिए और फैक्टर तो हमने दिया है उसको यूज कर लीजिए। ऐसा ICAI नहीं बोला है, पिछली बैच के बच्चे मुझे समझा, ऐसा ICAI नहीं बोला। हाँ वो भी गलत नहीं बोल रहा, इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट ने क्या किया, गेस करो दोनों अल्टरनेटिव करके कर दिया। तो हम भी लिख लेते, लिखने में क्या गुना है, पर एग्जाम में आ जाने दो ना। मतलब आपने यहाँ कौन सा कैश फ्लो लिया, नॉमिनल कैश फ्लो और नॉमिनल डिस्काउंट, ठीक। एक बार ये भी करके देख लेते हैं, रियल कैश फ्लो एंड रियल डिस्काउंटिंग रेट। हाँ जी, नहीं एग्जाम में आपके साथ धोखा हो गया तो इसलिए मैं करवा रहा। किस्मत कैसी आप लोगों की, खराब है तो लिखो देखो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पहले साल का कैश फ्लो कितना है, 20 डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन हटाना इसमें से 1.05, तो कितना आ गया 28.5 से। दूसरा कितना 40, 1.05 पावर क्या हो जाएगा 2, 36.28, और 30 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 3, 92। और फैक्टर तो हमको मालूम है 0.909, 0.826, 0.751, 0.751। M+ में डाल के मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है। में से माइनस कर देंगे 72, आंसर आ गया 3.41। ठीक है, तो सर एग्जाम में हम दोनों करके आएंगे क्या, कोई भी एक कर लेना नंबर मिलेगा। क्या लगता है कि जो हटने वाला उसका क्वेश्चन देगा, क्योंकि वो तो वैसे भी पढ़ना है फाइनल में। अल्टीमेटली मुझे इतना समझ में आ गया कि बेसिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पे बैक पीरियड, ARR, IRR, NPV, PI। चले आगे, एक आध क्वेश्चन और बनाते सिंपल वाला। क्वेश्चन नंबर 82, कितने साल का प्रोजेक्ट है, सिर्फ 2 साल। कैपिटल एक्सपेंडिचर आज कितना लग रहा है, 1210। रेवेन्यू पहले साल के, रेवेन्यू मतलब सेल्स 1900 2000। दूसरे साल कैश एक्सपेंसेस है 950 और 1000, और डेप्रिसिएशन दिया 605 605, और इन्फ्लेशन का रेट क्या लग रहा है आपको, 10%,
और इसके अलावा कैश फ्लो ऑफ डिस्काउंटेड किससे करना है, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया है 15.50, टैक्स का रेट कितना दिया है जी 30%, आपको एनपीवी निकालना है कौन सा कैश फ्लो टेक्निक से, नॉमिनल, आराम से सोच, ये डिस्काउंटिंग रेट कौन सा है, नॉमिनल तो है, ये कैश फ्लो कौन सा है, कुछ ना बोला है तो रियल, गलत बात है, बताना चाहिए था, रियल बोला है ना सर, रियल, रियल लिखा है तो रियल, तो इसको पहले किस पे कन्वर्ट करेंगे, नॉमिनल, और फिर एनपीवी निकाल लेंगे, आसान है, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, सीएफईटी निकाल के उसको कितने परसेंट से बढ़ते, बिल्कुल जी, लिखते हैं कैलकुलेशन, पहले क्या क्या लेना, नॉमिनल कैश फ्लो और नॉमिनल डिस्काउंट, नॉमिनल कैश फ्लो टेक्निक, पहले क्या लेंगे, सी एफ ए टी निकाल रहे फर्स्ट, दो ही साल का दो प्रोजेक्ट, रेवेन्यू 1900 को बढ़ाना पड़ेगा कितने परसेंट से, 10%, हाँ, और हमारा रियल में भी काम आ जाएगा वो सी एफ टी, एग्री, हाँ पीबीटी के लिए फिर दो ही चीज तो बची आना पड़ेगा, टू जीरो नाइन जीरो एग्री ना, यहाँ का बोलो, यहाँ तो 2090 आ गया, 1900 का 10% से बढ़ाया तो 2200, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं आगे बढ़ूं कि फिर अभी कुछ चेंज करना है, अभी भी बोल पक्का ना, डरते क्यों हैं यार, माइनस क्या करना है, और मालूम है जब मैं पिछला एग्जांपल करवा रहा था ना, देखो आपने की क्या गलती है, मैं आपको जब पिछला एग्जांपल कर रहा था, जैसे ये 45,000 लिखा है, तो ये 45,000 को ना आप ये डबल बार कर रहे थे यार, क्यों, ये 45,000 ठीक है, कितने परसेंट से बढ़ाया, 5% से, और फिर ये कैसे आया, इसी को बढ़ा दिया कि 5 से, हाँ लेकिन मैं इसको बढ़ाता हूं 5 और 5 ऐसा करके, फिर से ये पहले साल का सीएफएडी 45,000, इन्फ्लेशन जोड़ा तो कितना आ गया 4725, दूसरे साल का सीएफएडी कितना है 45,000, इन्फ्लेशन जोड़ो, है ना, एक बार 5 की 2 बार 5, है ना, गुड, आ जाओ, हाँ बोलो, 1900 जैसा सी एफ ए टी वैसे रेवेन्यू, इसमें 1 बार 10 की 2 बार 10, बस यही सुनना चाहता था मैं, 1 बार 10 की 2 बार 10, 2 बार 10 ना यार, क्या हो गया है, अरे यार मैं इसको 45,000 लिख दूंगा तो, हाँ बस कट गया 5 नंबर, तो यहाँ गलत है क्या ये, यस 2420, अगर यहाँ लिखोगे नहीं ना जिंदगी में समझ में नहीं आएगा 2420 आया कहाँ से, कहीं लिख लेना साइड कि आया कैसे 2420, ऐसे लिखा जाता है मालूम है, अगर मैं लिखता 1900 × 1.10 और यहां लिखता 2000 × 1.10 × 2,
कैश एक्सपेंसेस 10 1210 तो ये आ गया सी एफ बी टी 10 45 1210 डेप्रिसिएशन हाँ हाँ नहीं पूछ लो ना यार अभी हाँ पर ये क्वेश्चन 10 नंबर काम हो जाता बात सही बोल रहे हो पर ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर 18 मिनट का टाइम दिया इंस्टीट्यूट ने और आईसीएआई का प्रेजेंटेशन यही है अलग अलग मैं कह रहा हूँ कि थोड़े नंबर के लिए भी काम कर ले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा फाइनल में तो मिलेगा मजा आ जाएगा बिल्कुल डेप्रिसिएशन बाकी सही है कोई दिक्कत नहीं कर सकते वैसे 605 इसमें भी जोड़ दिया कि इन्फ्लेशन पीबीटी और 605 कितना फिर क्या आएगा टैक्स टैक्स का रेट है 30% ये फिर आ गए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 15.5% के हिसाब से पॉइंट 86 ले ले क्या अब 0.750 तो पीवीसीआई आ गया माइनस क्या कर देंगे पीवीसी 1210 एनपीवी आ जाएगा 352.0 ठीक है ये किसके हिसाब से किया आपने नॉमिनल कैश अब किसके हिसाब से रियल इसमें इन्फ्लेशन कुछ करना है क्या नहीं डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लेना पड़ेगा रियल रियल लेना पड़ेगा ना तो रियल निकालना पड़ेगा किस्मत ये है कि आपको याद है तो अलग मैटर है बाकी रियल निकालना ही पड़ेगा इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन है तो नहीं दिया निकालना पड़ेगा तो पहले क्या हम नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट रियल निकाल लें सबसे पहले कौन सी कैश फ्लो टेक्निक रियल कैश फ्लो टेक्निक
अगेन रियल डिस्काउंटिंग रेट, इन्फ्लेशन हटाना है ना तो डिवाइड करना पड़ेगा, 1.10 माइनस 1 तो कितना आ गया 0.05 या फिर 5% बोल सकते, एन पी भी निकल रहा वन टू रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ाना है, पीबीटी 950 माइनस 605 345 और 1000 माइनस 605 अभी क्या जाएगा टैक्स, और टैक्स का रेट क्या है 103.5 CFD आ जाएगा, नौ सौ पचास माइनस 103.5 तो ये आ गया 846.5 881.5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, याद रखना 5% लेना 0.952 0.907 तो सीधा आ गया हमारा पीवीसीआई 1605 माइनस क्या करोगे पीवीसीओ 1210 एनपीवी 395.3885 आप मैनेज कर लेना, बताइए प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट, ऐसा पूछा ही नहीं, नहीं पूछा ही नहीं क्यों बनाए, पूछा नहीं है तो बताएंगे भी नहीं, तो जो टाइम लगा ना हमको उधर वाला पार्ट में लगा, इधर वाला जो पार्ट है डिसीजन ट्री और आर ए डी आर और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट पर ये याद नहीं रहेगा, इधर वाला रहेगा उधर ही वाला याद आपको, क्योंकि उधर ज्यादा क्वेश्चंस किया, इट मीन्स ये प्रैक्टिस से याद रहता है, सीधी सीधा प्रैक्टिस है तो याद रहे। चलो एक क्वेश्चन और खत्म करें, ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83 एग्जाम में आया था, एग्जाम में आया था मई 2018 में, 10 नंबर का क्वेश्चन है भाई। क्या हो गया चलो प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है,
60 लाख, और 12 लाख किसमें लग रहा है? वर्किंग कैपिटल, और जो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज रियल कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो बिफोर टैक्स, मतलब क्या दिया है भाई? सीएफबीटी, और कौन सा वाला दिया है? रियल 24 लाख हर साल आएगा, सीएफबीटी दिया हर साल का 24 लाख। फिक्स एसेट्स में जीरो स्क्रैप वैल्यू दिया है, लाइफ दिया है पासम। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का एसएलएम, ठीक है। इन्फ्लेशन का रेट कितना दिया है? 6%। पर इवेल्युएशन सिमिलर प्रोजेक्ट, कंपनी जो डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया है? 12%, और कौन सा दिया है? रियल। कैश फ्लो कौन सा दिया है? रियल। डिस्काउंटिंग रेट भी रियल। तो आपसे पूछेगा क्या मालूम एनपीवी किसके हिसाब से पूछेगा? आईसीएआई यही करने हो, बुरा से बुरा क्या करेगा? वाओ, ठीक। और कुछ लोग बच्चे ना, कुछ बच्चे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, गलत मत समझ, इन्फ्लेशन को ही डिस्काउंटिंग रेट समझ लेते तो देखा लो, हम देते भी है आपके चिंता का, किसी ने ये समझा तो ये लोग, हमने भी दे दिया, ये आपके काम का नहीं, आप भी यही काम का है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हो जाएगा। मजा तो तब आता ना जब यहाँ एनपीवी किस नॉमिनल से पूछते, पर किस्मत ही खराब है, क्या करो। क्लास वर्क में डालो, सीएफएटी वीएफटी निकालना है ना। तो खत्म हो गया हमारा इन्फ्लेशन मुद्दे की बात, बस इतनी थी। कभी कभी आता है इसलिए कम क्वेश्चन है, स्टडी मैट में भी नहीं है ना। नहीं, एक क्वेश्चन है, कौन सा वाला क्वेश्चन है एसएम का, मैं बता। पहला वाला जो क्वेश्चन किया था ना, ये वाला एग्जाम में भी, हाँ कम आते हैं क्वेश्चन। अब आखिरी टॉपिक क्या बचा हुआ है? हाँ, कैपिटल रेशन। थैंक गॉड, बहुत दिनों से कैपिटल वेस्टिंग चल रहा है। पॉइंट नंबर कौन सा कहलाएगा? भगवान कैसे हो, सब बोलेंगे कैसे बच्चे हैं सर आप। चलो कैपिटल रेशनिंग, सुनोगे ध्यान से। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 1 लाख, लिखना नहीं है, बस सुनना है, लिखना नहीं। मान लो 4 प्रोजेक्ट, ऐसा कर ले, इसमें कितना पैसा लगाना है? 1 लाख रुपए इसमें लग रहा है सर। इसमें कितना पैसा लग रहा है? इसमें 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें इसमें 2 लाख, और इसमें लग रहा है 4 लाख, और इसका एनपीवी कितना आ रहा है? मैंने कहा इसका एनपीवी आ रहा है 25,000, और इसका आ रहा है एनपीवी 52,000, और इसका एनपीवी आ रहा है 73,000, और इसका एनपीवी आ रहा है 1,05,000। ये पैसा लगाना है कॉस्ट, और ये है एनपीवी। बताओ कौन सा प्रोजेक्ट करोगे? पहला क्यों नहीं करोगे?
मतलब मेरा ये कहना है एनपीवी क्या बोलता है जरा बताओ, जिसकी एनपीवी पॉजिटिव है ऐसा बोलता है। नहीं मैंने कंपैरिजन के लिए तो बोला ही नहीं, मैंने कहा कि कौन सा प्रोजेक्ट करोगे, तो क्या सभी प्रोजेक्ट कर लेंगे? यस भाई क्यों नहीं करेंगे यार, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। नहीं मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोला, मैंने कहा सब कौन सा करोगे, सब कर लेंगे सर, जिसमें एनपीवी पॉजिटिव वो करेंगे। भाई किसी बिजनेस से फायदा हो रहा तो पक्का करेंगे ना यार। ठीक है हमारे पास 3 लाख रुपए रखे हैं बस, अब तो पूरे नहीं कर सकते। अब इस पैसों को ऐसे खर्च करो कि मैक्सिमम एनपीवी आ जाए। ए और सी कर सकते हैं, ए और सी भी कर सकते हैं, या फिर बी भी कर सकते हैं। अगर होते 5 लाख तो कौन कौन सा कर सकते थे? इसको कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे। कितना खर्च हो चुका है? 3। अभी भी कितना बचा है? इसको कर सकते हैं ना, हाँ 2 ही लाख रुपए बचा है ना। मान लो आपने किस किस को कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया। नहीं मान लो ऐसा कर लेते, ये भी इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, आधा आधा प्रोजेक्ट करेंगे आप ऐसा हुआ क्या आधा प्रोजेक्ट कर सकते हो? कर सकते आधा प्रोजेक्ट भी कर सकते। तो, हाँ, नहीं क्यों नहीं कर सकते आधा प्रोजेक्ट? मैं आपको मिलाऊंगा ना, चलो दोनों मिलके, दो आप लगाओ दो मैं लगाता हूँ, जो भी कमाएंगे आधा आधा कमा लेंगे, क्यों नहीं कर सकते? इट्स टू मींस नहीं बढ़ा नहीं सकते ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ बढ़ाना, मेरे थोड़ी ना लग रहा, मैं तो आपके लगा रहा हूँ ना भाई। इट मींस क्या पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है? यस yes. भी और नहीं भी, क्वेश्चन दोनों ही देगा कि प्रोजेक्ट डिविजिबल भी हो सकता है, इनडिविजिबल भी हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले सर मान लो करना है तो हम किस हिसाब से पता, आपने किस हिसाब से पता लगाए थे? जब मैंने पहली बार पूछा था तो आप कुछ कैलकुलेटर उठा के कुछ कर रहे थे, आप दिस डिवाइडेड बाय दिस कर रहे थे, है ना, एनपीवी डिवाइडेड बाय कॉस्ट। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं भी यहाँ रैंक देना पड़ेगा कि कौन सा पहले करेंगे, पर मैं जो रैंक दूंगा वो पीआई के हिसाब से दूंगा। और पीआई कैसे निकालते पता है आपको? यही डिवाइड करना है बस, इसमें क्या जोड़ देना, 1 लाख, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, उसके हिसाब से पीआई निकालेंगे, पीआई के हिसाब से रैंक देंगे, और जिसका रैंक सबसे ज्यादा आएगा पहले उसको करेंगे। बात एक ही है, मैं मना नहीं, देखो फॉर्मूले आप बना रहे हो, बना लो, पर क्या वो ICAI मानेगा? नहीं मानेगा ना, उसको जो निकाल रहे उसको बोलते हैं एनपीवी इंडेक्स बोलते हैं, है वो भी है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले लिखे क्या थोड़ा बहुत, इसमें शॉर्ट नोट आता है 4 नंबर का लिखने के, पहने हुए फंड्स ऐसा कॉस्ट में भी तो था ना, या की फैक्टर वगैरह निकाल के कुछ करते थे कॉस्टिंग में है कि नहीं? नहीं मैं कहा यार, एक जमाना हो गया कॉस्ट, चलो छोड़ दो यार। Whenever funds are in short supply, fund जो है उसमें problem है, and yeah,
many projects. Having positive NPV, बहुत सारे प्रोजेक्ट है. In this situation, funds are allocated in a manner that NPV should be maximum. Such allocation technique is called capital rationing. कैपिटल रैशनिंग में आपको दो चीजें देखना होगा. फंड का प्रॉब्लम सिर्फ इसी साल है कि आने वाले साल में. अगर फंड का प्रॉब्लम सिर्फ इसी साल है, ये लिखना पड़ेगा, आता है चार नंबर का, मायने रखना. फंड का प्रॉब्लम सिर्फ इसी साल है तो उसको बोलते हैं सिंगल पीरियड कैपिटल रश. और फंड का प्रॉब्लम इस साल और आने वाले साल में भी है तो उसको क्या बोलते हो गए, मल्टी पीरियड कैपिटल रश. सिंगल पीरियड और मल्टी पीरियड. तो सबसे पहले बात किसकी करें, सिंगल पीरियड. तो क्वेश्चन में चेक करना कि फंड का प्रॉब्लम इसी साल है कि एक साल से ज्यादा के लिए. अगर सवाल है कि इसी साल है तो फिर दो तरह से हो सकता है. क्वेश्चन बताएगा कि फंड जो प्रोजेक्ट है वो डिविजिबल भी हो सकते हैं, इंडिविजिबल मतलब पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते. तो प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल और इंडिविजिबल. पीआई रैंक दो जो दे दोगे ना आप, वो पीआई के बेस. पीआई का फॉर्मूला लिखवाना जरूरी तो नहीं है ना यार. और सर अगर हम पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर कैसे करेंगे. ट्रायल एंड एरर बताता है आपको. पहले ए और बी को लेकर देखेंगे, फिर ए और डी को लेकर देखेंगे. मल्टी पीरियड फंड का प्रॉब्लम एक साल से ज्यादा. इसके लिए जो टेक्निक्स की यूज होगा कभी किया है, लीनियर प्रोग्रामिंग. जबरदस्त मैथ से मजा आ जाता है. हाँ वही है, पर अब उसका यूज यहां होने वाला. हाँ वेरिएबल वाले सही बोल रहे हैं. अब धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना तो बातें समझ में आ जाए. एलपी पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या मान के चलो. लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़े हो ना. हाँ एक
क्या बोल रहे, नहीं पढ़ना चाहते? सिलेबस में ही नहीं है। इसका मतलब क्या आपको फाइनल में पढ़ना पड़ेगा? नहीं, है ही नहीं है सीए में। उसके लिए आपको सीएफए करना पड़ेगा। सीएफए में आइए, आपको बढ़ाऊंगा। तो ये हमारे काम का एरिया है नहीं, बस यही है। सीएमए में भी है, आईसीडब्ल्यू का कोर्स होता है ना एक, सीएमए फाइनल में लीनियर प्रोग्राम। चलो खत्म करते हैं, दो ही तो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाओ, कोई एग्जांपल नहीं, अब ये खत्म कर रहे हैं हम लोग। मैं भी देखना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि पैसों को यूज करना आपको आता भी है कि नहीं आता। पता लगा पार्टी में ही पूरा उड़ा दिया। ठीक है, आ जाओ। कितना पैसा आपके पास, कितना पैसा है? 1,00,000। और आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 4 ऑप्शन है, सी डी ई एफ। ठीक, और प्रोजेक्ट में क्या मालूम है, कुछ बच्चे जब इसमें सीए इंटर में मालूम है क्या पूछ रहे, सर ये कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, नाम ऐसे ही कैसे स्टार्ट होता है, एक्स वाई जेड ही क्यों होता है, ए बी सी क्यों, मतलब यहाँ वीडियो पे बात कर रही है, यहाँ क्या है सी डी ई एफ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट दिया और एनपीवी दिया, और आपसे बोल रहा कि बताइए कौन सा प्रोजेक्ट करे, पैसा कहाँ कहाँ लगा है। पहले नंबर का एजम्पशन क्या है, इंडिपेंडेंट ही है, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि एक करोगे तो दूसरा नहीं कर सकते, कर सकते हो, पर क्या है मेन डिविजिबल, मतलब क्या पार्ट में एक्सेप्ट कर सकते हो, यस। और दूसरा क्या बोल रहा है, नॉट डिविजिबल। तो सबसे सबसे पहला काम हम ये वाली एजम्पशन से काम करते हैं, डिविजिबल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पीआई और रैंक देंगे। प्रोजेक्ट पीआई लिख दूं, यहां सीधा पीआई का फॉर्मूला लिख देता हूं, पीवीसी और यहां क्या जाएगा, सबसे पहले कौन सा करें, सी पीआई निकालो, 60,000 डिवाइडेड बाय 40, 1.5। ठीक, ऐसे कौन सा निकालोगे, डी 1,35,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। डी के बाद क्या आ गया, ई, कितना 50 और अभी 70, 74 1.48 F 1.30। रैंक देते सबसे ज्यादा पीआई किस में दिख रहा है, ये फर्स्ट रैंक। सबसे पहले सी को तो लेना ही लेना है भाई, कितना खर्च हो जाएगा, 40 गया, कितना बचा, 60। अच्छा पहले रैंक तो देते फिर डिसाइड करें, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद किसको करोगे। ठीक,
चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आपको एनपीवी निकाल कर बताना ही पड़ेगा, आप जो जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से एनपीवी लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ एनपी। यहां लिखेंगे हम कौन कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले और दूसरा उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा, फिर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एक्सेप्टेंस हमारी तरफ से कितना पैसा लग रहा और फिर एनपी। पहले किसमें पैसा लगाना है, कितना लगाना है 40, क्या इसमें हम पूरा पैसा लगा सकते हैं? यस 100% अपना, और कितना कमा लोगे 20। उसके बाद सेकंड रैंक किसका यार, ई में कितना पैसा लग रहा है, इसको भी पूरा हमारा, उसके बाद इसमें पैसा ठीक, टोटल हमारे पास 1,00,000 रुपए ही भाई है ना, तो पूरा लगा सकते हैं कि नहीं, 10,000 ही लगाएंगे, इट मीन्स हमारा पैसा कितना है 10%, तो एनपीवी भी हमको पूरा नहीं मिलेगा। एनपीवी कितना है यार, तो 35,000 का 10% 35 बताओ ओवरऑल एनपीवी कितना 47। ये आपको शो करना दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये पहला एजम्पशन से काम हो गया। दूसरा तो आपको आता है, दूसरे में तो आपको ही मैं कुछ नहीं कर सकता, दूसरे में आप ही को दिमाग चलाना पड़ेगा। हाँ पार्ट में नहीं खरीद सकते, तो पॉइंट नंबर 2 लिखोगे, एक बार ट्रायल करके तो देखते हैं, नाम ही है ट्रायल एंड एरर, तो थोड़ा ट्रायल कर सेकंड, हाँ दिखाना पड़े। कॉम्बिनेशन 1 याद रखना, 1,00,000 से ऊपर पहुंच नहीं सकते किसी भी हालत में, कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना। तो पहला कॉम्बिनेशन कौन कौन सा दिख रहा है आप, सी के साथ डी ले सकते हैं क्या, डी को तो ले ही नहीं सकते, या तो पूरा डी ले लेना ठीक, तो सी के साथ ई मिला ले, तो पहला बना सी और ई, तो सी ई कितना पैसा लग रहा है, सी में 40,000, एनपीवी सी में 20,000 और इसमें 24, तो कितना आ गया, और खर्च क्या 1,00,000 के अंदर है, चल जाएगा। जो फंड बचा ना उसका उसका कोई यूज नहीं है ये मान के चल रहे हैं ना, नहीं नहीं सही है, ऐसा भी क्वेश्चन है कि वो जो पैसा है उसका उससे इंटरेस्ट भी कमाएंगे तो फिर उसको भी देखना पड़ता है, अगर पर क्या है उतना आता नहीं है आप लोगों को, तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहता। कॉम्बिनेशन 1 तो हो गया, दूसरा क्या लग रहा है आपको, सी और एफ, कॉम्बिनेशन 2 तो सी में कितना लगा 40, कितना आएगा, और एफ बोला है आपने 60,000, 1,00,000 पूरा खर्च हुआ, कितना कमा लिया,
ऐसा भी कर सकते ई और एफ, नहीं बढ़ गया हूँ, बस और कुछ नहीं। और डी में तो कितना कमा रहे, 35,000, यही अच्छा है। $40,000 इन सी एंड $50,000 इन ई, और एनपीवी दोनों मिलाकर 44,000 चल जाएगा, चल जाता है। एक क्वेश्चन और बचा है, करते हैं कैपिटल बस्टिंग खत्म क्लास 4, ठीक, कल बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 77 लास्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं, टाइम पास है, वो लगता बड़ा है और आंसर भी पता है। सब कहानी दे रखा है, ये कहानी हमारे काम नहीं आएगी। तीन प्रोजेक्ट है सीधी सी बात, ये प्रोजेक्ट 1 एक्सपांड करना, प्रोजेक्ट 2 या फिर डेवलप करना न्यू लाइन, प्रोजेक्ट 3, तीन प्रोजेक्ट है। इसमें कितना पैसा लगना, काम काम की चीज है, इसमें कितना पैसा लग रहा है, 2,00,000, इसमें 1,15,000 और इसमें 2,70,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे दिया। इसमें 2,00,000 लगाओगे तो कितना आएगा, 2,90,000, एनपीवी तो हम निकाल ही सकते हैं, और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं है यहाँ, अब वो आपको बताएगा कि क्या करना है। अब ध्यान से, वो बोल रहा अगर हम लगाते हैं प्रोजेक्ट 1 और 2 में, दोनों में एक साथ भी लगा सकते, तो देयर विल बी, मतलब कोई स्पेशल फायदा नहीं है। अगर दोनों में लगाते हैं तो ये जो दोनों है दोनों का फायदा आ जाएगा। इकोनॉमिक्स का मतलब समझ रहे हैं, देखो मैं बता रहा हूं, राहुल सर मैं इस पे बोलना नहीं चाहता, और यहां हो गया मान लो। अब यार अकाउंट के लिए वहां जाना पड़ता है, एफएम के लिए यहां आना पड़ता है, बच्चे परेशान, छोड़ो ना एक्सेल ही चल देते हैं, वहां सब मिल रहा है। पर अगर उधर भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा, इधर भी, दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो सुनो सुनो, तो क्या कुछ फायदा हो सकता है एक्स्ट्रा? यस, वही बोल रहा है, पर बोले इस दोनों को मर्ज करोगे तो कोई फायदा वायदा नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ो भाई, मुझे मैं तो 20 मार्च से यार चलो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, यहाँ यहाँ बात कर, मुझे कट करना पड़ेगा, 20 मार्च का नाम ले लियो, आगे चलते हैं आगे। इट मींस 1 और 2 में पैसा लगाओगे तो देयर विल बी नो इकोनॉमी, फायदा नहीं है। किसमें फायदा नहीं है? इन्वेस्टमेंट में। बोले पैसा तो यार इतना ही लगेगा, दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है, 3,15,000, ठीक है। सिंपली सम ऑफ द पार्ट विद प्रोजेक्ट 1 और 3, अगर 1 और 3 में लगाते हैं, 1 और 3 में लगाते हैं तो इकोनॉमी पॉसिबल है। क्या बोल रहा है, 1 ऑफ मशीन एक्वायर्ड कैन बी यूज इन बोथ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो द टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट 1 और 3 में कितना जाएगा, 4,40,000। अब ध्यान से समझना, 1 और 3 को जोड़ रहे तो टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, 4,70,000। बोले पर नहीं, दोनों में लगाते तो आपका फायदा है भाई, कितने का फायदा दिख रहा है, 30,000 का फायदा। यहां तक बात समझ में आ रही? अगर प्रोजेक्ट 2 और 3 में लगाते हैं, 2 और 3 तो क्या बोल रहा है, नो इकोनॉमीज टू बी अचीव इन मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट। बोले इकोनॉमी है इसमें नहीं है, इसमें है, बताएगा वो आगे क्या बोल रहा है।
एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो पर प्रोजेक्ट टू एंड थ्री कितना दिखाई दे रहा है? 6,20,000। और इन दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है? इन दोनों को जोड़ने से 5,85,000 आना चाहिए, पर दोनों में लगा दिया तो यार अब फायदा कितना, अब कितना कैश इनफ्लो आ रहा है? 6,20,000। ठीक, अगर तीनों में पैसा लगाते हैं तो इकोनॉमी रहेगा कि नहीं रहेगा? फायदा जो मिल रहा था ऊपर फायदा, वो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। हाउएवर, क्योंकि तीनों में प्रोजेक्ट, तीनों प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा और पैसा खर्चा करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट वगैरह का खर्चा। कितना रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा? 1,25,000, क्योंकि आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो बताइए किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। क्या क्या बनेगा जरा बताओ? पहला तो 1, 2, 3 पूरा 1 में लगाओ, या 2 में लगाओ, या 3 में लगाओ। और क्या बन सकता है? 1, 2 और 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3 नहीं, मैं बोला 1, 2, 3 ऐसा बोला था। 1, 2, 3 ऐसा भी तो हो सकता है यार, इंडिविजुअल लगाओ, कमाओ यार। 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 ये देखना, ये देखना, एनपी में निकालना, देखते किसमें ज्यादा। चलो काम कर, टाइम पास। इसमें बचा क्या क्वेश्चन में? कुछ कैलकुलेटर नहीं भी चलाना पड़ेगा, सीरियसली बता रहा हूं। तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपी। एनपीवी, पीवीसीआई और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैसा आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। और यहां जाएगा पीवीसीआई और यहां क्या जाएगा? एनपीवी। चलो जी, पहला सिर्फ वन में पैसा लगाते कितना लगेगा? 2,00,000 आएगा। कितना? 2,90,000। तो एनपीवी कितना आ गया? 90,000। सिर्फ 2 में लगाते 1,15,185,000 एनपीवी। सिर्फ 3 में 270, 4,00,000। ठीक है, यहां तक तो बहुत अच्छे चले गए। 1 and 3 पहले 1 and 3 क्यों यार, 1 and 2 क्यों नहीं लिया? नहीं यार, जब हाँ पहले 1 and 2 लेते ना यार, 1 and 3 क्यों लेते? 1, 2 में कितना लग रहा? 1 and 2 में 3,15 आएगा। कितना? 4,00,000 एनपीवी। 1,60,000 1 and 3 6,00,000 एनपीवी। 2,00,000 अब 2 and 3 2 and 3 में कितना?
एक सेकंड भाई मैं रिलैक्स, यहां से गड़बड़ कर दिया पूरा। सुनो सुनो, पहले वन एंड टू का कर ले, वन एंड टू का तो ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ हुआ? टू एंड थ्री से, वन एंड थ्री से गड़बड़ हुआ। वन एंड थ्री, वन एंड थ्री में 470,000 लग रहा है भाई, 4,00,000। अच्छा ये बोला है ना, ठीक 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 कर लिया मैंने, ठीक कर लिया, -30,000 कर दिया, खुश। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, 440 लिख दिया। अच्छा टू एंड थ्री में कितना? 385। ये दोनों मिलाकर लाख, 585,000 आएगा ना भाई। अच्छा ये पहले से क्यों नहीं बताया हमने? ये लो भाई कितना आ रहा है, 6,00,000। एनपीवी बोलो कितना, बस अब आखिरी कर ले, 1, 2 and 3। तो 2,00,000 प्लस 1,15,000 प्लस 2,70,000 टोटल 5,00,000 और लगेगा 1,25,000। क्योंकि शब्द लिखा था इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड, जो भी रहा होगा 1, 2, 3 को लेने से जो इकोनॉमीज है वो रहेगा, और इकोनॉमीज कितना था? 30,000। तो वो 30,000 मैंने यहां से भी माइनस कर, कर सकते हो, पर वो इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमीज है तो इन्वेस्टमेंट में मैंने एडजस्ट कर। 9,10,000 कितना? 2,00,000। हाँ 9,10,000 सही तो बोल रहे हैं। इट मीन्स अगर आप सोचते हो कि ये सब मैंने टाइम पास के लिए लिखा, तो टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं लिखा, हर चीज का यूज। कौन किस में एनपीवी ज्यादा दिखाई दे रहा है? 1 and 3। तो 1 and 3 शुड बी एक्सेप्टेड, लिख दीजिए। ठीक है, कैपिटल वेस्टिंग में बस इतना ही था। अब जो भी क्वेश्चंस बचे हैं एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से बचे हुए हैं, और उसके बाद कल जो भी क्वेश्चन बचे होंगे वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।